हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। आशा करता हूं आपकी क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज अच्छी तरीके से चल रही हैं आप सभी का। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, वेदर दे बिलोंग टू गैलेक्सी स्कूल एंड एनी अदर स्कूल, आपका टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये टॉपिक आपका प्रोग्रेस में, प्रगति में है। 20 मई ये आपकी डेट है और क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। क्लास 10th के अलावा और भी विद्यार्थी जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आपका टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लास 10th के बच्चों के लिए तो ये है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने और भी कोई फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, तो उसमें ये जो टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, ये अवश्य आता है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि उस आपके एग्जाम में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहां कराया जा रहा है, या वॉइस आपको कराई है, या नरेशन आपको कराया है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लाभ उठा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के आसपास या उनके भाई बहन या फिर उनके रिलेशंस में कोई भी विद्यार्थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो तो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकता है, आप उनको बता सकते हो। ओके विद्यार्थियों, चलते हैं। आपका वर्ब में नियम चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे, मैंने आपको टेंस तो यहां किसी में नहीं लिखाए हैं, लेकिन यह बताया था यदि किसी भी अंग्रेजी वाक्य में आपका फ्रीक्वेंटली, रेयरली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर ये आता है, ईच आता है, पर आता है, डेली आता है, ऑफन आता है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ये शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य में हम क्या लगाते हैं, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, या फिर यदि आपका वाक्य कैसा हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, उन वाक्यों में या ऐसे वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं, करेक्ट फॉर्म वर्ब में डू डज प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो मैंने आपको बताए थे ना अभी, एडवर्ब ऑफ टाइम में डेली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, ये आपको बताए थे, ये आते हैं। और आपका वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो आप डू या डज प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरोगे, और साधारण वाक्य हो तो केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस भरोगे। आगे चलते हैं, आपका जो चल रहा था वहां चलिए, कोशिश करूंगा, नहीं हो जाएगा कल आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, आज तो नहीं होगा लेकिन कल के उसमें आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए यहां बात करते हैं नेक्स्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, इसी में आपको लिखना है नोट। यदि निम्न फैक्ट्स, निम्नलिखित तथ्य किसी अंग्रेजी वाक्य में हो तो भी एमबी फर्स्ट एस और ईएस या डू डज
प्लस एम बी फर्स्ट लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैंने आपको नियम बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कल आप जो पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ रहे थे, लास्ट में जब छोड़ा था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात हम करते हैं, कोई तथ्य जो है, इन तथ्यों को मैं लिखवाया नहीं था, हालांकि ये तथ्य मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिए थे कि कौन कौन से तथ्य होने पर नेचुरल एक्टिविटीज, हैबिचुअल एक्टिविटीज, स्वाभाविक गतिविधियां या आदत अनुसार होने वाले जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, उनमें हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि एम बी फर्स्ट ऐसे यस लगाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो और भी, जैसे कि आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, एटर्नल ट्रुथ, ये भी कल बताया था। सार्वभौमिक सत्य या सर्वकाल सत्य वाला वाक्य होता है तो उनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि एस या यस, एम बी फर्स्ट एस या यस लगाते हैं। एक वचन करता होता है एस या यस, और नहीं होता है केवल मुख क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और यदि एक वचन हो एस या यस लगाते हैं तो उसमें भी यदि किसी वर्ब के पीछे ओ एक्स जेड डबल सी एच एस डबल एस एच होता है तो क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, एस लगाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसमें आपको ये लिखना है, और अंग्रेजी मीडियम वाले लिख सकते हैं, इफ देयर आर द फॉलोइंग फैक्ट्स in any English sentence, then we apply or we write am we first s or es और डू डज प्लस एम बी फर्स्ट। ये आपका सेंटेंस इसमें है कि हम ये लिखते हैं किसी भी अंग्रेजी वाक्य में, एम बी फर्स्ट एस और ईएस, डू डज प्लस एम बी फर्स्ट लिखते हैं। अब यहां बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से तथ्य जो होते हैं। मैं आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं साइट में हूं। चलिए, कौन कौन से तथ्य हैं देखिए। नंबर एक, यूनिवर्सल ऑब्लिक एटर्नल ट्रुथ, सार्वभौमिक या कह सकते हो सर्वकालिक सत्य। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये इंग्लिश में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे केवल इंग्लिश इंग्लिश लिख सकते हैं, या उनको लगता है हिंदी तो हिंदी भी लिख सकते हैं। दूसरी जो बात होती है वह है नेचुरल एक्टिविटीज, स्वाभाविक गतिविधियां, तीसरी जो बात होती है वो होती है आपकी नेचुरल एक्टिविटीज के बाद हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्टिविटी, आदत अनुसार कार्य,
ओके। नंबर चार की हम जब बात करते हैं, मैथ्स और साइंस फॉर्मूला, गणित और विज्ञान का नियम, ये साइंस फॉर्मूला होता है ना, ध्यान रखना, फॉर्मूला सूत्र, इसको एकवचन फॉर्मूला कहते हैं, जबकि ये बहुवचन क्या कहलाता है, फॉर्मूले। ई लग जाता है पीछे, फॉर्मूले कहलाता है, हिंदी लिखने का आवश्यकता नहीं, गणित विज्ञान का नियम। नंबर पांच की जब हम बात करते हैं तो लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट का मतलब होता है सीधा प्रसारण। यदि किसी सेंटेंस में, मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार नेताओं के भाषणों का, या कह सकते हो क्रिकेट के मैच का, या संसद की कार्यवाही का सीधा सीधा प्रसारण आता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से राम कथा, भागवत कथा, या और भी कोई प्रोग्राम टेलीविजन पर आते हैं, वो लाइव दिखाते हैं कभी कभी। आपने देखा होगा इधर कोने में, उधर कोने में एक लोगो बना रहता है, LIVE लाइव, इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा LIVE। प्रिय विद्यार्थियों, LIVE आप इसको उतार भी सकते हो। कुछ बच्चों के दिमाग में क्या होता है, प्रोनंसिएशन का बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि बहुत शब्द हैं सर, उनको आप कुछ बोलते हो और हम कुछ बोलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, LIVE यदि कोई नाउन होती है तो इसको बोलते हैं लाइव, और LIVE यदि कोई वर्ब होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लिव। आई लिव इन गाजियाबाद, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, और लाइव LIVE ये आपका क्या है, नाउन है। जब ये संज्ञा बोलेगा ना तो ये लाइव बोलेगा, जैसे कि लाइफ LIFE, उसी प्रकार से ध्यान रखना। ओके डियर्स, लाइव को LIVE, संज्ञा को हम लाइव बोलते हैं, LIVE वर्ब को हम क्या बोलते हैं, लिव बोलते हैं। चलते हैं आगे, मैं आपको यहां कुछ उदाहरण लिख देता हूं। गणित विज्ञान का नियम मैं आपको कुछ नरेशन में भी बता चुका हूं, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो उसमें भी मैं आपको गणित विज्ञान के कुछ नियम बता चुका हूं। चलते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों, गणित विज्ञान के नियमों में कुछ उदाहरण लेते हैं। आइस, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आपको ध्यान हो तो नरेशन में, आप सभी ने वीडियो देखा होगा, नरेशन में डायरेक्ट से जब इंडायरेक्ट बदलते हैं तो मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि किस प्रकार से हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलता है, कितने डिग्री पर, 100 डिग्री पर, तो ये पानी का क्या है, स्वभाव है, ये गणित का नियम है कि अब पानी को उबालोगे तो वो उबलेगा तो उसका जो तापमान होगा वो कितना होगा, 100। पानी जमता है तो किस पर, 0 डिग्री पर, बर्फ कितने बनती है, 0 डिग्री पर, ये उदाहरण मैंने आपको वहां दे दिया। अभी हम बात करेंगे तो दूसरा उदाहरण यहां विज्ञान का नियम का देते हैं, आइस टर्न इनटू वाटर, नहीं लिखा क्या, सॉरी,
टर्न इनटू वाटर व्हेन, चलिए यहां लिख देते हैं, आइस बर्फ टर्न इनटू वाटर व्हेन इट गेट लाइट। अब बताइए इसमें कोई भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ हो, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउएडेज, रिसेंटली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, येट, सो फार, आपका क्या कहते हैं, अगो, बिफोर, प्रीवियस, आफ्टर, लास्ट, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो ये क्या है, विज्ञान का नियम है, कैसे कि बर्फ, ये विज्ञान का नियम है कि बर्फ पानी में बदल जाती है। व्हेन, जब, इट गेट्स लाइट, ये क्या प्राप्त करती है, ऊष्मा प्राप्त करती है। बर्फ को आप ऊष्मा दिखाओगे तो बर्फ किस में बदल जाती है, किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। तो ये क्या है, विज्ञान का नियम है, साइंस का नियम है। अब ऐसा थोड़ी है कि आज हम किसी बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा देते हैं तो वो पानी में बदल गया, और कल हम बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा देते हैं तो पानी में नहीं बदलता है, परसों फिर हम बर्फ के टुकड़े को ऊष्मा देते हैं तो वो और ज्यादा जम जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आज भी वही सत्य है, 20 साल पहले भी वही था और 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद भी वही होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वो कहलाता है गणित विज्ञान का नियम, या कह सकते हैं सार्वभौमिक सत्य। आइस बर्फ, अब आइस एक वचन है, टर्न में क्या लगा देंगे, एस, टर्न्स इनटू वाटर, बर्फ पानी में बदल जाती है। व्हेन इट गेट्स लाइट, जब ये क्या प्राप्त कर लेती है, ऊष्मा प्राप्त कर लेती है। चलते हैं आगे, मैं दूसरा यहां लिखता हूं, दूसरा नियम देखिए, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, ये गणित का नियम है। आप क्या लिखेंगे, दो और दो मेक, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, दो और दो बहुवचन है इसलिए एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ओके विद्यार्थियों, यहां आप कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर हमने बहुत सी जगह देखा है मेक दो और दो चार होते हैं, में कहीं तो मेक ही लिखा रहता है और कहीं कहीं मेक्स भी होता है। यदि कोई विद्यार्थी इसको मेक्स कर देता है तो भी उसका ये वर्ब बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मेक्स होने पर ये एक प्रोवर्ब का काम करेगी, ये कहावत का काम करेगी। जब इसका अर्थ ये नहीं होगा कि दो और दो चार होते हैं, जब इसका अर्थ होगा दो दो चार होते हैं, दो और दो नहीं, अर्थ क्या होगा तब, दो दो चार होते हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा, तब हम मेक्स लगा देंगे। यानी कोई विद्यार्थी यदि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है वो मेक लिखेगा तो भी सही है, मेक्स लिखेगा तो भी सही है। कुछ होते हैं, कुछ होते हैं विद्यार्थियों, जैसे कि नेचर नेवर चेंज, ये लिखना नहीं है, नेचर नेवर चेंज, स्वभाव कभी नहीं बदलता है। अब देखिए आपका नेचर एक वचन है ना, फिर भी चेंज में एस या ईएस नहीं आता है, क्यों, क्योंकि ये कहावत है और कहावत हम अपने अनुसार व्याकरण के नियम अनुसार हम बदलते नहीं है। मैंने आपको नरेशन में बता दिया था, All that glitters is not gold, सभी चमकती वस्तु सोना नहीं होती, इस प्रकार का आपने पढ़ा था। चलिए मैं और उदाहरण इसके लिखता हूं, The sun rise above the horizon। अब देखिए सूर्य राइज अबव द होरिजन, क्षितिज के ऊपर उठता है, होरिजन मान क्या होता है भाई, क्षितिज, होरिजन मान क्या होता है, क्षितिज है ना, और हॉरिजॉन्टल क्षितिजीय, आपने मैथ में पढ़ा होगा शायद, दो प्रकार होता है,
एक तो ये है, इसको हम ओरिजिन थोड़ी बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिकल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे, वर्टिकल। और ये क्या कहलाएगा? हॉरिजन, क्षितिज। इस तरीके से टेढ़ा होता है वो क्षितिज। मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूं यहां, मेरे हिसाब से ये तो क्षितिज कहलाता है। यहां से यदि हम इसको देखेंगे, यहां से तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजन। यहां से ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल। एंड मोर डिटेल यू मे कॉन्टेक्ट योर मैथ्स टीचर, ज्यादा जानकारी के लिए गणितवाद सर से आप बात करना। हॉरिजन मतलब क्षितिज, सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है। क्षितिज का मतलब ऐसा स्थान, हम सामने देखते हैं सूर्य उग रहा है, ऐसा स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। धरती आकाश के मिलते नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, धरती और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो क्या कहलाता है? क्षितिज। आप कमरे में बैठे हुए हो, आप ऊपर नजर डालिए, कमरे के ऊपर देखिए, आपको क्या नजर आएगा? ऊपर की छत, सीलिंग नजर आएगी आपको। और छत के सामने आप देखोगे तो दीवार है। दीवार और छत जिस जगह पर मिल रहे हैं, ध्यान देना, दीवार आपके कमरे की, दीवार और आपके कमरे की छत जिस जगह पर मिल रहे हैं वो क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है, हॉरिजन कहलाता है। द सन राइजेज अबव द हॉरिजन, राइज में क्या लग जाएगा? एस या ईएस। आगे चलते हैं, द सन राइजेज के बाद नेक्स्ट अगला, द गंगा फ्लोज, कोष्टक में फ्लो लिख दीजिए, मैंने पहले भर दिया है इसका ब्लैंक, इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है, गिरती है इस प्रकार से। ओके डियर्स, लाइव टेलीकास्ट में आपको आता है, ऐसे आता है ऑन डीडी, ऑन दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट, और फिर कोई बोलता है, क्योंकि बोलने में तो प्रेजेंट टेंस ही आएगा, लिखने में तो फिर लिखा हुआ मिलेगा, तब आपको करना है भाई। आपको लिखा हुआ मिलता है कि टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो लिखा हुआ मिलेगा, आप प्रेजेंट टेंस भर दोगे, नहीं मिलता है फिर आप नियम अनुसार भरोगे। जैसे टेलीविजन चल रहा है, सचिन तेंदुलकर ने बॉल को हिट किया और ये 4 रन के लिए गई, तो ये तो पास्ट टेंस हो गया, बॉल को हिट कर दिया और 4 रन के लिए गई। लेकिन जो कमेंटेटर होगा वो क्या बोलेगा? व्हेन सचिन तेंदुलकर हिट्स द बॉल एंड इट गोज फॉर 4 रन्स, इस तरह बोलेगा कि सचिन बॉल को हिट करता और 4 रन के लिए जाती है। ऐसे हिंदी नहीं बोले, हिंदी इसका पास्ट ही होगा, बट इन इंग्लिश यू विल ट्रांसलेट द सेंटेंसेज इन प्रेजेंट टेंस, बिकॉज इन लाइव टेलीकास्ट रनिंग कॉमेंट्री वी स्पीक एनी इंग्लिश सेंटेंस इन प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। ओके जीयर्स, इसको कॉपी कीजिए, इसको उतारिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। लगता है आपने इसको कॉपी कर लिया है या आपने इसको उतार लिया है। नेक्स्ट, अगले नियम पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो रूल है इसका वो क्या है? यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस व फ्यूचर इनडेफिनिट, कोष्टक में लिख रहा हूं मैं, नॉट
नाउ at this moment के साथ tomorrow या next या कोई भविष्य सूचक शब्द कोष्टक बंद आता है तो रिक्त स्थान में विल बी शैल बी प्लस एम बी फर्स्ट आई एन जी भरते हैं। ये आपका यहां नियम आता है। ओके डियर्स, एम बी फर्स्ट आई एन जी भरते हैं, आई एन जी नहीं लगाया क्या? इंग्लिश मीडियम वाले सकते हैं इफ एन इंग्लिश सेंटेंस has both adverb of time कौन कौन सी adverb of time present continuous plus future indefinite then we write will be shall be plus and we first ing। आपको नजर आ रहा है नीचे से साफ नजर आ रहा है? ओके ठीक, आप इसको लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले, यदि एक अंग्रेजी वाक्य हैज रखता है बोथ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दो एडवर्ब ऑफ टाइम रखता है, कौन कौन सी? दोनों ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मैंने कैसे लिखाई है? एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। और फ्यूचर इंडेफिनिट की कौन कौन सी? टुमारो, नेक्स्ट या और कोई भी शब्द। तो हम उसमें क्या क्या लगाते हैं आपको देखना है, उसमें हम क्या लगाएंगे? विल बी या शैल बी प्लस नुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। विल बी शैल बी प्लस एम बी फर्स्ट आई एन जी। विल बी शैल बी प्लस एम बी फर्स्ट आई एन जी लगाएंगे। ओके डियर्स, ये आपका क्या हो गया? अगला नियम। लेकिन इसमें हम यहां क्या करते हैं, आपको कुछ उदाहरण लिखता हूं। आपको यहां कुछ उदाहरण लिखे जाएंगे। ये व्हाइट बोर्ड कुछ चलिए बाद में करते हैं। हाँ, आपका लिखना है यहां क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहां लिखने हैं। देखिए, एट दिस टाइम यू रिक्त स्थान रीड इंग्लिश टुमारो, इस समय कल तुम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। देखिए ये तो क्या आ गया एट दिस टाइम, ये कौन सा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और टुमारो ये कौन सा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। उतार सकते हो आप इसको, उतारिए, मैं तो समझाऊंगा, मेरा काम समझाने का, आपको ये नहीं करना है। ये थोड़ा जल्दी चल रहा हूं तो मुझे बता देना, और धीमे चल रहा हूं तो भी बता देना। यहां यू के साथ क्या लगा दोगे? विल बी,
और रीड में क्या लगा दोगे? आई एन जी, यू विल बी रीडिंग। और आई और वी होते तो क्या लगा देते? शैल बी, यू शैल बी रीडिंग। इस तरीके से सेंटेंस हो जाता है। कल ही आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, आपका करेक्ट फॉर्म वर्ब का कल समाप्त कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना है, एक आपका रह रहा है इसमें, कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। शर्त वाले वाक्यों में क्या होगा? आपको शर्त वाले वाक्यों में तीन प्रकार के जो वाक्य विशेषकर वो बताए जाएंगे। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। ही रिक्त स्थान चेटी एट दिस मोमेंट एट इज ऑन द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वह इस समय अपने घर पर चाय पी रहा होगा। ही रिक्त स्थान टेकिंग टी एट दिस मोमेंट एट इज ऑन द नेक्स्ट वीक। एट दिस मोमेंट को आप यहां लिख सकते हो तो भी ठीक है। ही रिक्त स्थान टी एट इज होम एट दिस मोमेंट द नेक्स्ट वीक या द नेक्स्ट वीक एट हिज होम, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हम टाइम से पहले किसको लिखते हैं? प्लेस को लिखते हैं, लेकिन हमारा टाइम यहां आ गया नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। ये जरूरी है क्योंकि एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट है, ये समय को व्यक्त अभी कर रहा है इस समय, लेकिन अगले सप्ताह जो बड़ा टाइम है उसको ये व्यक्त कर रहा है, इसको हम पीछे लिखेंगे। हालांकि आप चाहो तो एट दिस मोमेंट को यहां लिख सकते हो फर्स्ट एट फर्स्ट, ये तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। एट दिस टाइम भी, एट दिस मोमेंट भी, नेक्स्ट वीक भी, ये सब लिखा हुआ आएगा। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप क्या कर दोगे? ही विल बी टेक में क्या लगा दोगे? आई एन जी टेकिंग। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस यहां कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते। अगला नियम, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में इंपेरेटिव जैसे लिसन हेयर लुक सी इत्यादि शब्द आता है तो वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब एज आर एम प्लस एम बी फर्स्ट आई एन जी लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इफ द सेंटेंस has
इंपेरेटिव बिगिनिंग, इंपेरेटिव शुरुआत रखता है कोष्टक में, चलिए कोष्टक में नहीं एज लिख लीजिए, एज लिसन हियर लुक सी ईटीसी देन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कोष्टक में इज आर एम प्लस फर्स्ट आईएनजी। चलिए दोनों ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी इसको उतारिए, इसको कॉपी कीजिए, या हो सकता है तो इसको आप अपने सेंटेंस में उसमें वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहां से आगे आपको उदाहरण लिखवाता हूं। उदाहरण की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये जो शब्द हैं, आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं 5 सेकंड के लिए साइड मर जाता हूं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें वीडियो को पॉज करके, इसलिए मैं साइड मरता हूं 5 सेकंड के लिए, क्योंकि एक दो बच्चों की 12th क्लास में ये डिमांड थी, सर आप 5-10 सेकंड के लिए साइड मर जाया करो जिससे कि हम आसानी से स्क्रीनशॉट ले सके। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, उसमें ये शब्द आएगा लिसन, सबसे पहले लिसन हियर लुक सी, तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। जनरल वे में बात करते हैं, आपने सुना होगा सुनो कोई चिल्ला रहा है, लिसन समवन इज क्राइंग, लुक देखो इट इज रेनिंग बरसात हो रही है। मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण लेते हैं, लुक देखो, इट रेन लिसन समवन फॉर हेल्प। ये इस प्रकार के सेंटेंस यहां हैं, आप इनको उतारिए। अब इसमें आपको देखना है कि पहला जो सेंटेंस है, पहला जो शुरुआत है, बिगिनिंग है दोनों ही सेंटेंस की, वो किस में है, इंपेरेटिव में है। इंपेरेटिव यानी कि आदेशात्मक वाक्य में, चाहे वो आज्ञा दे रहा है, चाहे आपसे प्रार्थना कर रहा है, इंटरजेक्शन भी यहां पीछे लगा हुआ है, वो कह रहा है लुक देखो क्या हो रहा है बरसात हो रही है, नीचे कह रहा है लिसन सुनो समवन इज कॉलिंग फॉर हेल्प, कोई व्यक्ति सहायता के लिए चिल्ला रहा है, इस तरीके से सेंटेंस हो गई। ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति भी आपने कर ली होगी, इट इज रेनिंग इस तरीके से, और लिसन में समवन इज कॉलिंग इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में अगला नियम है यदि किसी सेंटेंस में इट इज फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम डॉट 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 आता है, तो रिक्त स्थान में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज ऑब्लिक हैव
प्लस एम बी थर्ड पढ़ते हैं, ये आपको नजर आ रहा है किधर से, हैज हैव प्लस एम बी थर्ड भरते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द फोर्थ टाइम। इस प्रकार से आपको यदि कोई भी सेंटेंस आता है तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज है प्लस मुख क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगला उदाहरण दे दीजिए, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हिट सिक्स रन क्रिकेट, मैंने क्रिकेट में पहली बार छक्का लगाया है। इट इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है दैट की आई हैव हिट सिक्स रन क्रिकेट, मैंने क्रिकेट में क्या लगाया, छक्का लगाया है। तो आई के बाद हैव और हिट, हिट की तीनों ही फॉर्म एक जैसी होती हैं, हिट हिट हिट, उसमें आपको ये लगाना ही नहीं है। ओके जी, यस ये हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, इट इज द सेकेंड टाइम दैट ही पनिश मी, ये दूसरी बार उसने मुझे पीटा है। इट इज द सेकेंड टाइम, दूसरी बार है दैट की ही हैज पनिश्ड मी, उसने मुझे सजा दी है, मुझे पीटा है, दूसरी बार पीटा है। ओके डियर्स, ये दो उदाहरण आपके इसमें हो गए, आशा करता हूं ये आपने उतार लिए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले नियम की, और अगले नियम के बाद मैं आपको यहां दो नोट लिखाता हूं और फिर नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी अगले उसमें देखिए, रूल नंबर, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में इट इज हाई टाइम आता है तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि एम बी सेकेंड ऑब्लिक डिड फर्स्ट लगाते हैं। तुमको ध्यान रखना है, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज थर्ड टाइम, ये आता है तो हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैज है प्लस मुख क्रिया की थर्ड फॉर्म। और इट इज हाई टाइम आता है तो क्या लगाते हैं, केवल मुख क्रिया की सेकेंड फॉर्म या डिड फर्स्ट। एक उदाहरण लेते हैं इसका, इट इज हाई टाइम दैट I रिक्त स्थान इन नॉवल, मैंने मुश्किल से ही कोई उपन्यास पढ़ा। इट इज हाई टाइम, ये बहुत रेयर टाइम है, हाई टाइम है कि मैंने कोई उपन्यास पढ़ा। तो आप इसकी सेकेंड फॉर्म लिख दोगे, रीड की सेकेंड फॉर्म ये होगी रेड। लेकिन स्पेलिंग का ध्यान रखना, आर ई ए डी यही बोलेगा, स्पेलिंग में लिखा जाएगा आर ई ए डी, लेकिन प्रोनाउंस क्या होगा, रेड। ओके डियर्स, ये आपका हो गया। यहां से आगे आपको इंसिडेंट लिख सकते हैं, इफ द सेंटेंस हैज इट इज हाई टाइम, इफ द सेंटेंस हैज इट इज हाई टाइम देन वी राइट पास्ट इंडेफिनिट मींस एम बी सेकंड डिड फर्स्ट इन ब्लैंक्स। अब आप लिखिए इसका, एक दो नोट लिख लीजिए।
यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में टुडे आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं। मतलब आपका जो वाक्य का भाव जैसा निकल रहा है वो लगाते हैं, और आपको लगता है तीनों ही भाव है तो इनमें से आप कोई एक टेंस का प्रयोग कर सकते हो। यदि किसी वाक्य में क्या आता है, टुडे आता है। दूसरा नोट लिखेंगे इसी में, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में इन दोज डेज आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं। एक नोट और लिखिए, यदि ब्रैकेट का मतलब कोष्टक में बी आता है तो इज आर एम वॉज वर्ब माना जाएगा। ओके डियर्स, ये आपके कुछ क्या कहते हैं इसमें कुछ नोट में आपको लिखाए हैं। देखो, एट दिस टाइम, इन दीज डेज ये आता है मान के चलिए, तो एट दिस टाइम के लिए तो हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और एट दैट टाइम आता है, एट दैट टाइम तो लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। आप इसको उतार सकते हो, एट दैट टाइम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस, एट दिस टाइम के लिए, एट दिस टाइम के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन दीज डेज आता है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इन दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। टुडे आता है तो ये तीन लगाते हैं, और यदि किसी रिक्त स्थान में कोई भी रिक्त स्थान बाद ब्रैकेट में इज आर एम वॉज वर ये आते हैं तो उसमें हम बी फॉर्म मानते हैं उसको, यानी बी आता है तो इज आर एम में से कुछ भरेंगे, प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम भरते हैं, पास्ट है तो वॉज वर भरते हैं, और यदि मान के चलिए परफेक्ट टेंस आ गया तो उसमें भी हम बीन लगा देते हैं। परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, बीन। क्यों? क्योंकि देखो प्रेजेंट टेंस में तो इज आर एम आ गया, पास्ट टेंस में वॉज वर आ गया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म तो होती है इज आर एम, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो उसमें हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग करेंगे। अब आता है कंडीशनल सेंटेंस, सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन ए एल। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य। ये आपका इसमें रह गया है, और एक नियम और है, ये दो नियम हैं, ये आपको यहां से आगे कल करवाए जाएंगे। आज का जो लेसन है, आज का जो सेशन है आपका, आज का जो टीचिंग वीडियो है, क्लास है, वो आज की आज आपकी समाप्त होगी इस जगह पर। कल आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही एक नया टॉपिक है, कंडीशनल सेंटेंस, और ये कल पूरा होते ही हम नेक्स्ट अगला टॉपिक आपका ले लेंगे, जिसमें दो हैं, एक तो है क्लॉज और एक है मॉडल्स। मॉडल चाहते हो तो मॉडल ले लेते हैं, क्लॉज चाहते हो क्लॉज ले लेते हैं। आप कमेंट में डाल देना जो आप चाहो वो ले लेंगे पहले, और फिर अगला ले लेंगे। दोनों ही चैप्टर, दोनों टॉपिक होंगे आपके, और नेक्स्ट उसमें आपके लेटर राइटिंग और पैरा राइटिंग। आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू वेरी मच।